मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार हमारे वीडियोस देखने के लिए और इस तरह से लाइक और या देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये होता क्या है, लोग जब देखते हैं वीडियोस को तो हमें बनाने का और भी इंस्पिरेशन आता है अंदर से कि और भी नए नए सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाया जाए। और हमारा काम है वीडियोस बनाना और उसको गाइड करने आप तक पहुंचाना। और हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि कितने लोग देखें या कितने लोग नहीं देखें, क्योंकि अगर ये सोच के अगर हम काम करते तो अभी तक काम बंद कर चुके होते हैं। लगभग 1.5 साल हमारा यूट्यूब पे हो गया। पहले जब हम वीडियो बनाते थे तो 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, इससे ज़्यादा नहीं देखते थे। और आज ऐसा है कि एक वीडियो पे 40,000, 50,000, 60,000 लोग भी देखते हैं। तो बनाने से ये नहीं होगा कि आपको देखना ही पड़ेगा, असल में लोगों की अगर ज़रूरतें पूरी होती हैं, उनका जो क्वेश्चन है उनका अगर आंसर सही से मिलता है तो वीडियो कोई भी बनाए, मेरे जगह मैं हूँ या कोई भी हो, उसका काम चले ही चलेगा। तो एज ए यूट्यूब, अगर आप नए हैं या चाहते हैं, आप भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही दिन में जैसे आपने दुकान खोल लिया, आपका दुकान नहीं चलना, पहले टिकना पड़ता है। 1 साल 1.5 साल अगर आप मार्केट में टिकते हैं तो ही फिर जाके आप किसी भी फील्ड में काम कर पाइएगा। तो हमारा एक वीडियोस था सेकेंड हैंड गारमेंट के ऊपर, जो काफ़ी अभी वो भी अच्छा चल रहा है वीडियोस, और उसमें से बहुत सारे लोगों का डिमांड भी आ रहा है कि ऐसा सेकेंड हैंड वीडियोस का कहाँ से मिलेगा। तो नागालैंड से हमारे पास, दीमापुर से ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कोरिया से रिलेटेड जो पैंट शर्ट और ये चीज़ें आती हैं वो कहाँ पे मिलेंगी। तो मैं बताऊँ आपको, दिल्ली का आज़ादपुर मार्केट है, आज़ाद मार्केट जो बहुत ही फेमस मार्केट है आपका ये गारमेंट्स और सेकेंड हैंड गारमेंट्स के लिए। कुछ दुकानदार या लोगों का, कंपनियों का नाम भी हम रेफर कर देंगे नीचे अपने फील्ड में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किलो वाइज वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे 50 रुपये किलो से कपड़ा स्टार्ट होता है और 150-200 रुपये किलो तक होता है। तो अभी विंटर आ रहा है, अगर किसी को ठंडी से रिलेटेड जैकेट या स्वेटर या ऐसे सेकेंड हैंड कपड़ा खरीद के अपने एरिया में उसको बेचना हो तो आराम से वो, मतलब एक क्विंटल खरीद भी ले अगर उसका, तो 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये किलो के आसपास पड़ता है। और अपने एरिया में जाके वो किलो में खरीद के पीस के अनुसार बेच सकता है। यानी अगर सब कुछ कीजिए, 1 किलो खरीदता है वो जैकेट, तो 1 किलो जैकेट आपको मान लीजिए 2 या 3 जैकेट आपका 1 किलो में आएगा। अगर 100 रुपये किलो भी होता है और आप उसको मार्केट में 150 रुपये भी बेचते हो तो मतलब 100 रुपये का लगा के आपको 500 रुपये का आराम से मुनाफा हो जाएगा। आप दिल्ली या कहीं भी बड़े शहर में जाइएगा तो आपने देखा होगा रेहड़ी पटरी पे लोग 100 रुपये, 200 रुपये और 300-300 रुपये का जो जैकेट बेचते हैं सेकेंड हैंड, वो भी काफ़ी अच्छा ही होता है। तो ये सब वही चीज़ है, वो कोई नया नहीं चीज़ है, मगर नई की तरह ही आप उसको यूज लोग करते हैं। आपने खरीदा तो आपके लिए तो नया ही है, और जो खरीदा उसके लिए, बेचा उसके लिए सेकेंड हैंड है कोई भी चीज़। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो हम आपको नीचे नंबर दे देंगे, कंपनी का रेफर कर देंगे, आप उनको वेरीफाई कर लीजिए, पूरे तरीके से जांच लीजिए। अगर आपको चीज़ ठीक लगती है तो आप उनके शॉप में जाइए, दुकान में जाइए, देखिए, उसके बाद खरीद के अपने लेवल पे ट्रांसपोर्ट करा के अपने एरिया में इस काम को चालू कीजिए। अच्छा काम है, बहुत से लोग कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी इसमें कर रहे हैं। खासकर कोरिया का कपड़े का डिमांड ज़्यादा है तो आज़ाद मार्केट में ही ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।